तेरा है तन्हा के लिए, ना आँखों में सावन झड़ी आ ठहरती होते ना तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने बेगानगी में, बनते ना यूं अफसाने। आपने मुझसे कहा कि मैं उमर को भूल जाऊं, क्या उमर से भी यही कहा था कि माहिन से नफरत करो क्योंकि इस खानदान से मोहब्बत मुमकिन नहीं? तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे रही, मैं कराऊंगी उमर का निकाह उससे, बस तुम मेरा साथ दो। तुम फरवाओ और तुम उमर इब्राहिम, ये बात मैं कैसे मान? अम्मी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अम्मा ये समझती है कि मैं जादू टोने करवा के माहिन को सबसे दूर कर रही। क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। अभी रातों में कभी मेहंदी नहीं लगी, कभी कोई रंग नहीं चढ़ेगा उमर के नाम की मेरे, मैं साथ तो रोड़ा है मेरा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आसमां से बात कर ली। हम तुम्हारा और उमर का निकाह करवा देंगे। सब मान जाएंगे? कुछ भी हो, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तो फैसला कर सकती हूँ ना। अब घर से निकाल देंगे आपको, जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे मेरी बेटी की खुशी ज्यादा अजीज। और उमर, उमर मान जाएगा? इतनी बेयकीनी क्यों हो रही है तुम्हें? वो तो बहुत खुश होगा, आसमा आजकल में उससे बात कर लेगी। बस तुम अपना रूटीन वही रखो, कॉलेज जाओ, खाओ पियो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। क्या यार, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ऐसे लग रहा जैसे किसी संगमरमर के मुजस्मे के साथ बैठा हूँ। क्या बोल? तुम में और उमर में ना एक चीज बहुत कॉमन है, दोनों के दोनों सेल्फिश हैं, बस अपना और अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं। बाकी सब तो बेवकूफ और गधे हैं ना, जो तुम दोनों के लिए ख्वार होते रहते हैं। लेकिन एक चीज हम दोनों में कभी कॉमन नहीं हो सकती। और वो क्या? मुझ में आना नहीं। तुम यहाँ पे कब तक रहोगे? क्यों, तुम्हें मेरे इस घर में रहने से बहुत तकलीफ है? बहुत तकलीफ है मुझे, क्योंकि मुझे अपने घर में किसी की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। Excuse me, मैं अपने बाप के घर में खड़ा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी नजर इस घर पर है, तो एक काम करो, जाके बेचारी अपनी फुप्पो को भी ये वाली बात बता दो, ताकि वो अपना बोरिया बिस्तर तो मान लेना, क्योंकि इस घर के मालिक जो आ गए। You know, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है तुम्हें इस घर में किसी मर्द की मौजूदगी गवारा ही नहीं है। ठीक कहा, क्योंकि मुझे अपनी आजादी में किसी की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम इंतहाई खुदसर लड़की हो। पता है, मैं अपने बारे में ना किसी की भी राय की कोई परवाह ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ अपने लिए। पागल। Thank you.
कोई काम था? नहीं, बस आई थी कि अपनी निगरानी में तुम्हारे कमरे की सफाई करवा दूं। लेकिन तुम्हारा कमरा तो पहले ही साफ हो चुका है। I'm sorry, अम्मी, लेकिन उन तस्वीरों को देख के मुझे बहुत तकलीफ होती थी, फिर आप भी चली गई तो मैंने सोचा जब फैमिली नहीं रही तो फैमिली फोटोग्राफ्स का क्या काम। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि खाली दीवारों को देखकर दर्द कुछ और बढ़ जाएगा। सॉरी, मैंने गुस्से में कह दिया था। हाँ, जिसका जो दिल चाहे गुस्से में आकर मुझे कह दे, तो क्या मैं भी गुस्से में आकर ये कह दूं कि मेरे बेटे की इस घर से बेदखल होने की वजह तुम हो? अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम आज भी मेरी बेटी हो। आप अब भी ऐसा समझती हैं? इसलिए तो मैं चाहती हूं अच्छा सा रिश्ता मिले और मैं तेरी शादी कर दूं। मेरे जीते जीते मैं चाहती हूँ तू अपने घर की हो जा। उसके पीछे हैदराबाद जाना चाह रही। आप इसे मेरा पागलपन समझें या कुछ भी, लेकिन मुझे जाना है। और क्या करोगी वहां जाकर? जब बाहर मजबूरी है, बड़ी मुश्किलों से जो है ना माही का दिल बदला है। अब सहेलियों में रहेगी तो उसका ध्यान बटा रहेगा, खुश रहेगी, जाने दो उसे। मुझे लगा कि मैं कॉल नहीं करूंगी तो तुम कर लोगे। मैंने जरूरत महसूस नहीं की। ठीक है बेटा, औलाद का रिश्ता ही शायद जरूरत का होता है। माँ बाप की जरूरत पड़ी तो याद आ गए, ना जरूरत पड़ी तो नहीं आए। अम्मी, कोई काम था आपसे? नहीं बेटा, माँ का रिश्ता जरूरत का नहीं होता। मैं बगैर काम के भी तुम्हें याद कर सकती हूँ। कहाँ हो? वहां जा मुझे होना चाहिए, अपने लोगों में, अपने बाप के। तुम हैदराबाद चले गए हो? जी हाँ, और खुशकिस्मती से मुझे यहाँ पे जानने और पहचानने वाले लोग मौजूद हैं। उमर, तुम सॉरी अम्मी, फैसला हो चुका। मैंने अपनी बुनियाद को छू दिया, मैं अपनी जमीन पे खड़ा हूँ। यहाँ मुझे जानने वाले बहुत लोग, मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। And I hope अब आप मुझे बार बार फोन करके तंग नहीं करेंगी, क्योंकि आप भी अपनी दुनिया में हैं और माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। ठीक है बेटा, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। यही अजम था कि तुम्हें किसी काबिल कर दूं। अब तुम मुड़ना सीख गए हो तो
खुदा से यही दुआ कि आसमान को तुम्हारे लिए वसी कर दे। जा रहो, खुश रहो, आबाद रहो। मेरे दिल की तसल्ली के लिए काफी है कि तुम मुतमईन हो। मैं क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, मुझे जल्दी से खाना दे दें, मुझे अब्बू के पास जाना ऑफिस। लाती हूँ। आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ। वो हैदराबाद चला गया है और उसने आने से इनकार कर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसकी कोशिश यही है कि वो वहाँ सेटल हो जाए। तो अब कभी वापस नहीं आएगा? अब क्या हो सकता है बेटा? मैं हैदराबाद जाऊंगी। इसको समझाओ, ये पागल हो गई है। उसके पीछे हैदराबाद जाना चाह रही। आप इसे मेरा पागलपन समझें या कुछ भी, लेकिन मुझे जाना है। और क्या करोगी वहां जाकर? वापस लाऊंगी उसे, जैसे तुम्हारे कहने से वापस ही आ जाएगा। I'll try my best। ये भूल गई उसे तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया था। और इसके बावजूद आप मेरा निकाह उससे करने के लिए तैयार हो गई थी ना? सिर्फ तुम्हारी खातिर। आसमा की बात और है, ये उससे बात कर सकती है, लेकिन तुम्हारा वहां जाना इतने दूर, मुझे समझ नहीं आता। ये तो बिल्कुल अलग बात है। माही, बेटा वो तुमसे अपनी नफरत का इजहार कर चुका है। वो मुझसे नफरत नहीं करता, वो आप लोगों से नफरत करता है। और सिर्फ मैं उसे अंडरस्टैंड करती हूं। उसे लगता है कि आप सब ने उसे तन्हा छोड़ दिया है। आपने बिताई भी, वो नफरत नहीं करता, वो सिर्फ बेएतबार हुआ है। और मैं उसे उसका एतबार वापस करना चाहती हूं। माही, अगर अब उसे तुमसे मिसबिहेव किया मेरी जान, तो तुम सह नहीं पाओगी। तायमी, आपने, सैद ने, सबने उसे अकेला छोड़ दिया। मैं सिर्फ उसे यह एहसास दिलाना चाहती हूं कि दुनिया में कोई है जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कैसे जाओगे बताओ, वो भी अकेले? अम्मी, मैं आज के दौर की लड़की हूँ, मेरे लिए रास्ते निकालना मुश्किल नहीं होगा। कोई मैं बहाना कर दूंगी, कह दूंगी कि कॉलेज के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ, किसी सेमिनार में जा रही हूँ। अब इजाजत कैसे लेनी है ये तो आपको पता होगा। इतना तो कर ही सकती है ना मेरे लिए। आपको करना होगा। पोपो, ये बाकी कमरों में लाइट क्यों नहीं आ रही? अरे भाई, बिजली होगी तो जलेंगी ना। क्या मतलब? क्या क्या सुनोगे तुम? दरअसल हमारे मीटर कट चुके हैं। ये जो तुम दो कमरों में और किचन में लाइट देख रहे हो ना,
ये तो हमने पड़ोसी से तार लेकर ली ली है। बिजली का तीसरा हिस्सा दे देते हैं हम बस। ये कब से है? जब से फरवा के अब्बू का इंतकाल हुआ है। क्या बताएं तुम्हें, किस तरह से हमने दिन गुजारे। पप्पू आपका बुखार ज्यादा लग रहा है, अभी तक कम नहीं हुआ? नहीं बेटा, अब पहले से काफी बेहतर। मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, आए आपको उसके पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास। इतने सारे पैसे ले लेंगे, ऊपर से झूठी दवाइयाँ देते हैं। अरे ये दवाइयाँ खा खा कर तो मैं मैदे की मरीजा बन जाऊंगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना। अम्मी अब तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर हूँ पहले से। अम्मी प्लीज, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया करें। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा है ही कौन? आपके लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। बस बेटा, इसलिए तो मैं चाहती हूँ अच्छा सा रिश्ता मिले और मैं तेरी शादी कर दूँ। मेरे जीते जीते मैं चाहती हूँ तू अपने घर की हो जा, बस फिर मैं सकून से मर जाऊँ। अम्मा जी, मैं जवान लड़की को अकेले दूसरे शहर भेजने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अकेले नहीं जा रही, वो सहेलियों के साथ जा रही है। शहर तो दूसरा है ना। प्रोफेसरों के साथ लड़कियाँ जा रही हैं, साथ ये भी जा रही है, और दो चार दिन की तो बात है। अम्मा जी, अब आप खामखा मजबूर कर रही हैं। ये बाहर मजबूरी है, बड़ी मुश्किलों से जो है ना माही का दिल बदला है। अब सहेलियों में रहेगी तो उसका ध्यान बटा रहेगा, खुश रहेगी, जाने दो उसे। कॉलेज वालों के भी अपने ही तमाशे होते हैं। हम बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, जो घर से नहीं सीख सकते क्या वो सेमिनारों से सीखेंगे? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो उमर तो नहीं आता अपनी माँ से मिलने? नहीं ना, उमर यहाँ आता है ना आसमां वहां जाती है। सुना है उन दोनों में बहुत अनबन हो गई है। माही ने भी कॉल की थी और उसने आगे से कहा था कि मेरा इस घर से ताल्लुक खत्म। क्या बात समझो, ये किस्सा खत्म। अच्छी बात है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसको जाने दो, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने दो उसे, रिश्ते की बात फिर कभी कर लेंगे। जैद, तुम हैदराबाद क्यों जा रही हो? बताया तो था, सेमिनार है, पूरा ग्रुप जा रहा है। ये बेवकूफ बनाना किसी और को। तुम हैदराबाद उमर के पीछे जा रही हो? जब पता है तो क्यों पूछ रहे हो? थोड़ी शर्म, जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ये तुम्हें? ये नहीं, उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया भूल गई? हाँ मुझे कुछ याद नहीं। दिल तो बढ़ता है, खींच के दो थप्पड़ लगाओ। जैद, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। हाँ, इस तरह की बेइज्जती तो सिर्फ उमर कर सकता है ना, उसकी तो हर बात तुम शहद समझ कर पी जाती हो। तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि तुम मेरे खानदान की लड़की हो और वो इस घर का हिस्सा नहीं है। ऐसा तुम सोचते हो? तुम्हें भी समझना होगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं, सुनो, हटो मेरे रास्ते से। तुम हैदराबाद नहीं जाओगे, सुना तुमने? सैद, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मैं वो हर रास्ता बंद कर दूंगा जो उमर की तरफ जाता है। मैं तुम्हारी मजीद तसल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत करो इस तरह। भाई अपने आप को इतना मत गिराओ कि तुम्हें देखने के लिए हमें अपना सर झुकाना पड़े। और अगर तुमने हैदराबाद जाने की कोशिश भी की तो मैं चाचू को बता दूंगा।
अरे क्या जरूरत थी इतने बड़े अस्पताल ले जाने की, इतने सारे पैसे खर्च हो गए और इतनी सारी दवाइयां, इन्हें खाएगा कौन? फूफा आप क्यों फिक्र करती, आपका भतीजा है ना। भतीजा चला जाएगा तो मुड़कर देखेगा भी नहीं। उमर बेटा ये बताओ, अस्मा तुम्हें बुलाती नहीं है? नहीं। तुम्हारी शादी के बारे में भी नहीं सोचा? मेरा मतलब है मंगनी हो गई हो, कहीं बात तय हो गई हो तुम्हारी? पापा भी मैंने इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं। आप सोच लो, उम्र बीत जाएगी तब करोगे शादी क्या? पापा आप ये सब छोड़े, आपने अपनी दवाइयां टाइम पे लेनी है। टाइफाइड कोई मामूली चीज नहीं है, अगर ख्याल ना रखा जाए तो बिगड़ सकता है। बस मुझे तो एक ही बात की फिक्र है, जल्द से जल्द फरवा को उसके घर की कर दूं। फरवा की मंगनी हो गई? रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं उसकी शादी किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं करूंगी। किसी दिन आसमा से मेरी बात तो करवाओ। जी करवा दूंगा, फिलहाल आप आराम करें, कुछ खाना है तो मैं ला दूं। अरे नहीं, दवाइयां खा खा कर पूरा मुंह गर्म हो गया मेरा। तो कुछ मीठा खाने को ले आता हूँ। किनू खाने का बहुत दिल चाह रहा है मेरा, वो ला दो। चले मैं बोले ला। जीते रहो, खुश रहो। इसको किसने बताया कि मैं हैदराबाद किस लिए जा रही हूँ? मैं क्यों बताऊंगी? ताई अम्मी आपने देखा नहीं था ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था? किस तरह से बात कर रहा था? मेरा लहजा तुम्हें बुरा लगा? और जिसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, इतनी इंसल्ट की, उसके पीछे तुम हैदराबाद जा रही हो? तुम उमर से अपना मुकाबला मत करो। हाँ, उसे तो तुम सात खून माफ कर सकती हो ना? जैद तुम मेरे बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो। मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगी। बस कर दो तुम दोनों। अमी, आप इस उमर के पीछे हैदराबाद भेज रही हैं? कितना ऑकवर्ड लगता है। सर, मैं इसे नहीं भेज रही। अगर ये आपकी सगी बेटी होती तब भी स्टुपिडिटी में आप इसका साथ देती? तुम ताई अम्मी से इस तरह बात मत करो। ये मेरा फैसला है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो सर, मैं हैदराबाद हर कीमत पर जाऊंगी। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। एंड आई रियली मीन इट। यही वजह है कि मैं इसे जाने दे रही हूं। इसकी ज़हनी हालत जैसी है, ये कुछ भी कर सकती है जैद, और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं लेकिन अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। इसे जाने दो जैद, ये या तो उमर को वापस ले आएगी या हमेशा के लिए छोड़ आएगी। जब उमर ने इसको धुतकारा था ना, आपने इसकी हालत नहीं देखी, मैंने देखा। ये सह नहीं पाएगी। इसकी जिद मानने के अलावा हमारे पास अभी और कोई चारा नहीं है। इसे कोशिश कर लेने दो। ऐसी कौन सी खिदमत खलक चल रही है जो तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम्हारी घर में मां कितना इंतजार कर रही है तुम्हारा? फूफो की तबीयत कितनी खराब है तुम्हें कोई एहसास है?
अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे फोन कर सकती थी, क्यों नहीं किया मुझे फोन? मेरा दिल करता है मैं उसके साथ वही सुलूक करूं जो वो मेरे साथ कर रहा है। उसने एक बार मुझे अपनी जिंदगी से निकाला है, मैं 10 बार उसे अपनी जिंदगी से निकालूंगी। क्या हुआ पप्पू? फरवा नहीं आई। वो कोई बात नहीं, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? इतनी देर तक तो वो आ जाती थी, अब तो कई घंटे ऊपर हो गए। पप्पू अब वो बच्ची नहीं है, आ जाएगी, आप प्लीज परेशान मत हो। बच्ची नहीं है इसलिए तो मुझे ज्यादा फिक्र हो रही है। जब तक तो वो घर नहीं आ जाती, एक एक मिनट गुजारना बहुत मुश्किल। कुमार बेटा, इतनी देर तो उसने आज तक नहीं किया। पप्पू आप परेशान मत हो, मैं जाके देखता हूँ, आप अंदर लेट जाएं। आपके पास कोई नंबर तो होगा ना, वो कहाँ गई है? हाँ, जहाँ जाती मैं सबके नंबर लिख लेती, तुम्हें देती। मुझे बताएं, आइए। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने ज़माने में रख लो, जहाँ तो फेरे सपने घर आ जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अरे तुझे कुछ अंदाजा है, मेरी जान सूली पर टक गई थी, एक एक लम्हा मैंने कैसे गुजारा है। I'm sorry अम्मी, मुझे घर आने में देर हो गई। तू ठीक तो है ना? इतनी रात बाहर रहने का क्या जवाब दोगी तुम? ट्यूशन पढ़ाने जाती हो वहां पे? क्या खरीद लिया उन्होंने तुम्हें कि चार चार घंटे वहां बैठी रहो? ऐसी कौन सी खिदमत खलक चल रही है जो तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम्हारी घर पे मां कितना इंतजार कर रही है तुम्हारा? फूफू की तबीयत कितनी खराब है तुम्हें कोई एहसास है? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे फोन कर सकती थी, क्यों नहीं किया मुझे फोन? यही प्रॉब्लम है तुम जैसी लड़कियों का, खुद को अकले कुल समझती हैं। पप्पो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? फोन कर सकती थी ना वो? उमर बेटा तुमने ठीक कहा, लेकिन उसके पास फोन नहीं है, जरूरत आने पर भेज दिया। लेकिन फार्मेसी हर जिम्मेदार लड़की नहीं है, यकीनन कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया होगा इसलिए उसको रुकना पड़ा। तुम्हें क्या हो गया है? खैरियत तो है? सब खैरियत। हाँ? कुछ नहीं हुआ पप्पू। बताओ मुझे। कुछ भी नहीं हुआ, फिक्र ना करें, बैठे आराम करें, अब आ गई है घर। आए चाय ठंडी हो जाएगी। पी लूंगी मैं। और अगर तुम सॉरी कहने आए हो ना तो बिल्कुल मत कहना, क्योंकि मुझे वो लोग सख्त जहर लगते हैं जिनके जो मुंह में आता है उस वक्त वो बोल देते हैं और बाद में उन्हें सॉरी याद आ जाता है। पप्पू को टाइफाइड हुआ, बहुत ख्याल रखना होगा उनका और मेडिसिन टाइम पे देनी है। हॉस्पिटल तुम लेके गए थे? जाहिर। थैंक यू। किस बात? यही सब कुछ जो तुम हमारे लिए कर रहे हो। Obviously ये तो मेरा, ये तो तुम्हारा फर्ज था, यही कहना चाहते थे। चाय पियो।
तुम्हें लगता है ना मुझे इंसल्ट फील नहीं है, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, बहुत इंसल्ट फील है। मेरा दिल करता है मैं उसके साथ वही सुलूक करूं जो वो मेरे साथ कर रहा है। उसने एक बार मुझे अपनी जिंदगी से निकाला है, मैं 10 बार उसे अपनी जिंदगी से निकालू, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे लगता है एक वक्त आएगा जब वो बहुत पछताए। अब मैं नहीं चाहती कि तब तक वक्त उसके हाथ से निकल जाए, मैं उसे एक और चांस देना चाहती हूँ। एक और कितने चांस दोगी माही? पता नहीं, शायद जब तक जिंदगी है। इस वक्त तुम मुझे बहुत बुरी लग रही हो। मुझे भी अपना आप बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद से नफरत कर सकती हूँ लेकिन उससे नहीं। मेरी इज्जत का तकाजा है कि मैं तुम्हें उस अजनबी शख्स से ना मिलूं। अजनबी तो नहीं है। ठीक है, मैं आखिरी बार इस बेवकूफ को दोबारा साथ लेता। तुम हर बार यही कहकर मेरे साथ थे। नहीं मां, अब की बार वादा करता हूं, अगर अब की बार तुम नाकाम हुई ना, तो भूल कर भी मैं तुम्हारी जुबान से उसका नाम ना सुनूं। और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। घर वालों से क्या कहोगे? तुम दोनों की मोहब्बत ने मुझे झूठ बोलना सिखा दिया। संभाल लूं। हो तेरा तुम बेगाने, बनते ना यूं अफसाने। परवा, तुम आज फिर यूनिवर्सिटी नहीं गई? अगर मैं यूनिवर्सिटी चली जाती तो घर के काम कौन करता? ये क्या है? ऐसे ही कुछ किचन का सामान है। उमर प्लीज, तुम अपने एहसानों के बोझ तले हमें और मत दबाओ। तुम्हारे लिए नहीं लाया भाई, मेरा मिक्स सब्जी और मछली खाने का दिल कर रहा था तो ले आया। पकानी तो आती है ना? आती तो है, लेकिन हम ढंग से तुम्हारी खातिरदारी नहीं कर पा रहे। चलो फिर आज कसर पूरी कर दो। लगता है तुम्हारे घर का दस्तखान काफी भरा हुआ होता है। हाँ, ऐसा ही है। मेरे अब्बू को मछली बहुत पसंद थी। जब वो जिंदा थे ना तो अम्मी इनके लिए बहुत कुछ बनाया करती थी। तुम उन्हें मिस करती हो ना? हाँ, मैं 12 साल की थी इसीलिए तो मुझे उनकी एक ही बात याद है। और मुझे तो अपने अब्बू की शक्ल तक नहीं याद। सुनो, पप्पू की पुरानी पिक्चर एल्बम्स कहाँ हैं? कहीं पड़ी होंगी स्टोर में या ट्रंक में, टाइम मिलेगा तो निकाल दूंगी। अब कुछ पका लूं? श्योर, चलो। वैसे ये दावत है किस खुशी में? दावत? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो तुम्हारा रेगुलर मेन्यू है। मेरे ऑफिस वालों ने मेरी छुट्टियां कैंसिल करके यहाँ के ऑफिस का काम कुछ सपोर्ट कर दिया। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि तुम मुस्तकिल हमारे सरों पे सवार रहोगे। कुछ ऐसा ही है। अच्छा सुनो, खाना अच्छा बनना चाहिए। नहीं, अच्छा तो नहीं बनाऊंगी, नमक बहुत ज्यादा कर दूंगी खाने में। भूख लगी है आपको? अरे भूख निगोड़ी कहाँ लगती है, आते सूख गई है।
मछली की खुशबू आ रही है, कहीं आस पड़ोस में पकी है। आस पड़ोस में नहीं, अम्मी हमारी घर में बनी है। हैं? उमर लाया होगा जी, भला करे इसका। ये खिचड़ी तो खा खा कर मेरा मुंह का जायका खराब हो गया है। आपके लिए शोरबा बनाया है। रहने दे, मैं तो आज तली भी खाऊंगी, शोरबा तू पी लेना। अम्मी इस बीमारी में भी आपके शौक खत्म नहीं हो रहे। अरे भाई, इंसान मरे तो कम से कम तरसता हुआ तो ना मरे ना। अल्लाह ना करे अम्मी आपको कुछ हो, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। और वैसे भी इस दुनिया में मेरा आपके सिवा है ही कौन। उम्र है ना, क्यों मर बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम फर्रा का ख्याल रखोगे ना। पोपो, ये आप कैसी बातें कह रही, आपको कुछ भी नहीं होगा। और जहां तक फरवा की बात है, ये बहुत बहादुर लड़की, अपना ख्याल खुद रख सकती है। ये माही की तरह नहीं। बेटा माही कौन? मैं नहीं जानती कि मैं क्यों जा रही हूँ, मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझे कबूल करेगा या प्रत्युत्कार देगा, लेकिन अम्मी मैं पछताने नहीं चाहती कि मैंने भी जज्बात में आकर उसका साथ छोड़ दिया। कर समझ के लेना, मगर इन्हें नहीं बेचना।